थैंक यू। सो अज आप प्रैक्टिस करांगे, जो कुछ आपा कीता है उसनों आपा प्रैक्टिकल वे दे नाल देखांगे कि अपनी वी विल टेस्ट आर नॉलेज थ्रू आर सॉफ्टवेयर। साडा एक सॉफ्टवेयर है जिस दे थ्रू असी सबनों नॉलेज प्रोवाइड करते हाँ, लेसन्स प्रोवाइड करते हाँ। वी विल यूज दैट कमर्शियल सॉफ्टवेयर टुडे। सो इस दे थ्रू ही आप आज प्रैक्टिस करांगे अबाउट टेंसेस एंड एवरीथिंग। जस्ट गिव मी सेकेंड। सो ड्यूरिंग क्लास आई विल रिक्वेस्ट कि कोई भी विच अपना माइक ओपन नहीं करेगा, जदों मैं पूछांगा उदों ही ओपन करना। और अगर किसी दे बैकग्राउंड नॉइस होएगा तो तुसी माइक ओपन नहीं करना। जस्ट ऑब्जर्व योर क्लास, हैव पेन एंड पेपर हैंडी। अपने कोल पेन एंड पेपर जरूर रखो कि अगर कोई भी चीज़ तुहानू नवी सीखने को मिलती है, सो दैट यू कैन राइट इट डाउन, उसनू तुसी लिख सको। सो अज असी स्टार्ट करांगे सेंटेंसेस टाइप एंड पार्ट्स, जो कि असी ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हेन योर इंग्लिश सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू असी आइल्स की प्रेपरेशन या होमवर्क या स्टूडेंट्स नू एक प्रैक्टिस अकाउंट देने हैं, जिदे विचो आइल्स अकैडमिक और जर्नल सेपरेटली घरे भी अपने पढ़ सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम लाइव क्लासेस, लॉट्स ऑफ टेस्ट आर देयर, प्रैक्टिस टेस्ट। इहदे विच ही असी लर्निंग जोन दे विच एक स्पेशल एरिया बनाया है जिस दे विच सारे ग्रामेटिकल स्किल्स ने। सो जिस तरह असी टेंस सेंटेंस टाइप्स एंड पार्ट्स के ऊपर क्लिक करते हाँ तो एक टेस्ट ओपन हो जाता है। सो वंस यू विल ओपन इट, इट विल आस्क अस टू स्टार्ट द टेस्ट। जस्ट गिव मी सेकंड। ओके। सो जदों मैं पूछांगा तुसी माइक नू अनम्यूट कर सकते हो। सिर्फ चार पांच रिप्लाईज दी जरूरत होएगी। उस तो बाद मैं कहांगा कि तुसी अगर किसी ने रिप्लाई सही दे दी तो तुसी रिपीट ना करना उसनू। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इंपेरेटिव है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है। एनी आइडिया? एज असर्टिव इट ओके, विल सर, से इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, असर्टिव ओके ओके। सर, सो आई विल मार्क जो तुसी बोलोगे। तुसी इम्पेरेटिव भी क्या, असर्टिव भी क्या, विल डिस्कस कि ये सही आंसर की होएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, प्लीज लेंड मी सम पेन। प्लीज लेंड मी योर पेन। इट्स एक्सक्लामेटरी है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, असर्टिव है। इम्पेरेटिव, 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 इम्पेरेटिव ओके। सो एक्सक्लामेटरी किदां दे होंगे, किस तरह से पहचान सकते हैं कि सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी होंगे? एनी एनी आंसर? एक्सक्लेमेटरी साइन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नाउ थर्ड इज हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। एक्सक्लेमेटरी, 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 गुड, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए टायरिंग डे। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी।
Interrogative. Who does not love interrogative. So how you recognize it is interrogative? Kis tarah pata lag gaya ki interrogative? Question mark. Very good. They were tired. Okay. Identify the negative form of the sentence. Is sentence They did not tire themselves. They were not tired. Okay. So basically, yes. It says identify the negative form of the sentence. Is sentence nu agar assi negative de vich banavange ta assi verb dekhya ki were lag gaya hai. Theek hai? Were, yes. So it's they were tired. So were de naal assi did nahi laga sakde. Were not lagega. Theek hai? So they weren't tired. So were not nu assi ki kahange, they weren't. Pronunciation is they weren't tired. Okay. Next, identify the negative form of the sentence. She teaches us English. She doesn't teach us English. A. Okay. Yes. So does not know us ki bolange? Doesn't is the right pronunciation. Jis tarah kai bachyan ne bheja si ki sanu pronunciation vi dasso. So does not nu assi agar English de vich pronounce karange, doesn't ban jayega. Theek hai? Doesn't. What about this? Sir, are they happy today? Option number A. A option. Are they happy today? Okay, just give me a minute, okay? Just hold for a second. Okay, sir. Okay, so question is, they are happy today. And identify the interrogative form of the sentence. Are they happy today? Good, good. Okay, identify the interrogative form of the sentence. The gardener waters the plants. Does the gardener water the plants? Option number B. The interrogative form of the sentence, the children broke the toy, is? Did the children broke the toy? Did the children break the toys? Okay. C, sir. Yeah. Option number B. Okay. Earth moves around the sun. Select the correct option for the following sentence. The earth moves around the sun. Okay. Now, N kyun nahi lagya aur the kyun lagya? Because universal letter things are universal truth. Very good. So, sabnu pata lag gaya ki the kyun lag gaya aur an kyun nahi lag gaya? Yes, sir. Select the correct option for the following sentence. My father is university professor.
सिंगुलर सो यूनिवर्सिटीज अगर इतने आर हुंदा ता डिफरेंट गल होनी सी डबल यस सो माय फादर इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओके नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गंगा द गंगा The Gangas rises in the Himalayas. The honesty is best policy. Honesty is the best. Sir, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Sir, the क्यों नहीं लग गया था? Because sir, honesty is the subject. Honesty is the policy. Okay. Okay. Identify the type of sentences. Have you lost your book? Interrogative sentence. Interrogative. Long live the king. Optative, sir. Operative, sir. Operative. Okay, why it is optative? Because sir, blast it. Okay. Any other view? Exclamatory sign. Exclamatory sign. See, let me show you the right meaning of optative because it's very important. What you speak, you must know. जो सी बोल दे हाँ सानों दे बारे पूरा ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है. Relating to or denoting a mood of verb in Greek and certain other languages. The optative mood is grammatical mood that indicates a wish or hope regarding a given action. It is a superset of cohortative mood and closely related to subjective mood is distinct in the desertive mood. So basically, jadon koi wish ditti jave, let me give you some examples on it. May the king of Westphalia live long. So, जदों कोई wish दिती जान्दी है, वो optative sentences दे, which आ जान्दा है. Just may you live long, may they prosper, may God bless you, peace be upon him. So, it's optative sentence examples. Sir, Excuse me, sir. Yes, ma'am. प्रेयर कीती जांदी है किसी लिए जिवें विश कीता जांदा है उन्हों कहेंगे ऑप्टेटिव यस जदों असी किसी नु कोई विश करते हैं मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरियस लाइफ बी गेट वेल सून जिस तरह तुसी किसी दे लई भी कुछ अच्छा मंगदे हो वो सारिया चीजा ऑप्टेटिव sentences de vich aa jande padha ke mar tak las I wish I were the prime ministers theek hai ja tusi jehdiyan cheezan wish de naal related ne jehdiyan cheezan wish you all the best eh vi optative ichha suchak vach ichha suchak vach vakya jehde hunde ne ede vich wish aa jandi hai prayer aa jandi hai blessings aa jandiyan even curse vi aa jandiyan ne so agar tusi apne layi wish karde ho I wish I would be there in the future I wish I would go to Canada a optative sentence ho gaya prayer karde ha assi
ऑफ कर्स सर कर्स मींस वी विश कर्स नो 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 कर्स इज किसे नु अपा बदसीस देने आ कर्स असि किसे नु बददुआ देने आ या किसे चीज नु असि ओदे बारे पंजाबी दे विच कह देने आ भंडदे हां या उस नु बुरा भला या ओदे बुराई मांगदे हां या किसे नु अपने बारे कई बार असि अपने वीकेस्ट पॉइंट्स वीकेस्ट पॉइंट्स नु असि सोचते रहने आ एक्सक्यूज मी सर देयर इज बैकग्राउंड नॉइज काइंडली हां जी प्लीज सर वही बोलना था बैकग्राउंड नॉइज आ रही है पीछे से हां जी हां जी सो एवरीवन मेक श्योर देयर शुड नॉट बी बैकग्राउंड नॉइज ग्रुप द रूल इज देयर अगर बैकग्राउंड नॉइज होगा और आप यू विल कंटीन्यूअसली अनम्यूट योरसेल्फ तो आई विल डेफिनेटली रिमूव विदाउट एनी प्रायर नोटिस बिकॉज़ आई रिस्पेक्ट एवरीवनस टाइम सो कर्स जो है उसका हिंदी मीनिंग लेट मी टेल यू एन ऑफेंसिव वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस एंगर और एनोयंस इनवोक और यूज ए कर्स अगेंस्ट सो किसी को श्राप देना या किसी के बारे में बुरा सोचना कि ऐसा हो जाए उसके साथ ऐसा हो जाए सो दैट इज अ कर्स ठीक है सो इट वेरीज कर्स जो वर्ड है ये डिफरेंट एंगल से यूज होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सो एक सेंटेंस ऐसा भी आता है जिसमें इन इंग्लिश वी यूज आई एम ए बिलीवर ऑफ सर्चिंग ए कैंडल रादर देन कर्सिंग द डार्कनेस कि आई डोंट कर्स द डार्कनेस आई ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड सो दैट इज द पॉजिटिव मीनिंग ऑफ कर्स वी कैन से ठीक है सो पता लग गया ऑप्टेटिव सबको यस सर सो ऑप्टेटिव है जो किसी हाँ जी ठीक है ऑप्टेटिव है जो किसी विश के आधार पे हो किसी अगर आपने कुछ विश मांगी दैट इज ऑप्टेटिव आपने किसी के बुरा सोचा कि इसका ऐसा हो जाए दैट इज ऑप्टेटिव अगर आप गॉड के आगे प्रेयर करते हैं सरबत का भला दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं दैट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस सो आई एम जस्ट पिकिंग डिफरेंट यू नो आइडियाज और यू नो स्ट्रक्चर की आपको सारी चीजें धीरे धीरे पता लग जाए तो हमने ये सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाया है कि अगर इफ यू विल गो थ्रू दिस एंटायर सारा सॉफ्टवेयर जिस दिन हमने ये खत्म कर दिया आपकी जो ग्रामर है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी दैट्स वाई आई पिक दिस सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली सर इन्हें गूगल से डाउनलोड कर सकते हैंगे दिस इज बेसिकली अ पेड सॉफ्टवेयर सो गूगल पे आपको नहीं मिलेगा दिस इज एक्सक्लूसिव ये कॉपीराइट है हमारा कंपनी का ना वेन्योर इंग्लिश का कॉपीराइट है एंड इसका जो आईएलटीएस वाले स्टूडेंट्स होते हैं सबको लाइसेंस इश्यूज होते हैं सो गूगल पे आपको वी आर प्रिपेयरिंग एन अनदर सॉफ्टवेयर जिसमें हम सब कुछ ही होगा जिसमें दिस इज अ पेड बट उसको हम फ्री रखेंगे एंड हम विल डेफिनेटली प्रोवाइड ऑल ऑफ यू द लाइसेंस की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर वो हम उस पर हमारा वर्कआउट चल रहा है बट अभी नहीं है बट इट विल टेक सम मंथ्स हो सकता है 2-3 महीने लग जाएं बट वंस वी विल बिल्ड अप तो आप सभी को ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मिलेगा इस टाइप का ओके सो Tell him to go away. Identify the type of assertive. Assertive. Okay. Assertive. Why it is assertive? No question mark. No question mark. Okay. So, बहुत सारे लोगों को assertive का meaning हो सकता है ना पता हो. So, assertive sentence जो होते हैं, I'll give you the entire A sentence that makes a statement or assertion is called an assertive or declarative sentence. Declarative भी इनको बोलते हैं जो कि एक statement produce करते हैं. Assertive sentence end with a period. Example, he goes to school. He likes to play chess. ठीक है ना question mark है ना interrogative है but एक sentence बना हुआ है जिसकी अपने आप में एक sense है that is assertive or declarative
identify the type of sentence. What if fine weather? Exclamatory. Select the correct option after changing the following sentence into negative. Negative banana hai iska. The grapes are ripe. The grapes are not ripe. The grapes are not ripe. किसी को कोई डाउट है? Yes sir. बोलिए. No sir. थर्ड ऑप्शन भी आ सकता है. The grapes are not sweet. देखिए स्वीट की बात नहीं हुई टेस्ट की. यहाँ पे पूछा गया the grapes are राइट क्या वो पक चुके हैं? पकने की बात हुई है. कच्चे हैं या पक्के हैं? मीठे हैं या कड़वे हैं या खट्टे हैं? उसकी बात नहीं हुई. ठीक है. सो हाँ जी, तो इन्होंने बोला है कि आपने सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है. तो यहाँ पे वर नहीं लगाएंगे क्योंकि आर है ऑलरेडी. आर है तो डू नहीं लगाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शन रह गया द ग्रेप्स आर नॉट राइप. अगर यहाँ पे स्वीट है इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर दिया हमने क्योंकि स्वीट की बात नहीं हुई. द ग्रेप्स आर नॉट राइप इज द राइट ऑप्शन. ओके 19th. Select the correct option and changing the following sentence into negative. So always first approach क्या होती है जब हम कोई question solve करते हैं ना, उसको उसकी जो directions है उसको पहले अच्छे से पढ़ें. Some students just directly jump to the question and answers. No, पहले क्या पूछा गया है उसको ध्यान में रखें कि इसको अब negative बनाना है. My mother brought sweets. My mother did not. My mother did not bring sweets. ठीक है. अब आगे से आपने contractions नहीं use करनी. Did not, do not, does not. ठीक है. इसको contraction use करनी है. Didn't बोलना है, right? Okay, sir. आगे से आप बोलेंगे कुछ भी तो वर्ब जो है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे. My mother didn't bring sweets. एक उसको टच भी देंगे. ठीक है. लैंग्वेज का रियल टच होना बहुत जरूरी है. सो माई मदर डजंट ब्रिंग स्वीट्स इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे ब्रॉड था, पास्ट फॉर्म थी तो हम प्रेजेंट में नहीं लेके जा सकते. My mother wasn't bringing sweets, तो continuous की बात ही नहीं हो रही थी इसलिए हमने ये भी eliminate कर दिया. Eliminate मतलब काट दिया. None of the above means कि इनमें से कोई भी नहीं है. But ये भी जब हम third पे गए तो it seems like it is the fine answer. My mother didn't bring sweets. So didn't आ गया तो verb की first form आ गई. ठीक है. Next. Excuse me sir. हाँ जी सर. डू नॉट दी प्रोनाउंसिएशन की या डोंट? डोंट. ओके. चिल्ड्रन. अब इसको चिल्ड्रन्स कभी भी नहीं होता. देयर इज नो वर्ड चिल्ड्रन्स. बिकॉज़ आप प्लूरल. इट इज प्लूरल. प्लूरल नहीं, प्लूरल. प्लूरल. इट इज अ प्लूरल. Children are eating their food. Select the correct option after changing the following sentence into interrogative. Are children eating their food? Select the correct option after changing the following sentence into interrogative. My sister-in-law feeds the sparrows. So feeds क्यों आया? मेरा question ये है कि my sister-in-law. Singular. हाँ. Singular. इसको बोलते क्या बोलते हैं इसको? Singular. Sister-in-law.
नो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब अगर आपका जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, माई सिस्टर इन लॉ फीड्स द स्पैरोज। ठीक है, सर अब सिस्टर लॉ लॉ सिस्टर इन लॉ, ओके सर तो अब इसको आपने इंटरोगेटिव में बनाना है। सी ऑप्शन सर। टू माय सिस्टर इन लॉ फीड द स्पैरोज। टू माय सिस्टर ऑप्शन चेंज करो स्पैरोज। ओके, दैट डज माय सिस्टर। डू आएगा इस पे? डू नो इज सर। डू किसके लिए होता है? प्लूरल सर। प्लूरल के होता है, ठीक है, डू होता है ओके प्लूरल के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे था माय सिस्टर इन लॉ फीड्स द स्पैरो, ये एक प्रेजेंट सेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो डिड जो है वो कट गया क्योंकि डिड की बात नहीं हुई पास्ट की। पास्ट थी है ठीक है, नहीं डू कट गया बिकॉज सिंगुलर है, तो रह गई डज डज की ऑप्शन। तो अब डज में देखेंगे दोनों में क्या फर्क है, बी एंड सी में कौन सा आएगा। सी दे विच फीड्स आ सर, सी दे विच फीड आ। ओके, सर सो कौन सा एस आएगा, कट जाएगी। सी कौन सा सर है? ऑप्शन सी आएगा। सी यस सर। सी सी क्यों आएगा? सर वो एस कट गई, वर्ब की एस कट जाएगी सर, डज में लगी हो। ओके, डज में, डज माय सिस्टर इन लॉ फीड्स, फीड द स्पैरोज। देखो एस डज में क्यों कटेगी, जो एस लगी है वो लगी है सिस्टर इन लॉ के लिए। सिस्टर इन लॉ इज स्टिल सिंगुलर, दैट्स व्हाई द वर्ब इज प्लूरल। डज माय सिस्टर इन लॉ फीड्स द स्पैरो, तो बी इज द राइट आंसर। अगर यहां पे होता डू माय सिस्टर्स फीड द स्पैरो, फिर यहाँ पे फीड आना था। अगर यहाँ पे डू होता, यहाँ पे सिस्टर्स होता, प्लूरल होता, डू लगा होता प्लूरल के लिए, यहाँ पे काफी सारे सिस्टर्स होता, फिर फीड आना। गॉट इट? डज माई ओके सिस्टर इन लॉ सर। फीड्स द स्पैरो। सो सब्जेक्ट वर्ब कभी चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विल स्टे देयर। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हेलो हाँ जी सर। यस सर। सर पिछला सीजन जो अपन क्वेश्चन वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो था ला देने डाज लेकर फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं दी वर्ब दी लेट मी चेक, विल डिस्कस एवरीथिंग एट द एंड। ठीक है, चिल्ड्रन आर ईटिंग द फूड, विल डिस्कस एट द एंड फॉर श्योर। अगला 22 है सारे 22। 21st हो गया? हाँ जी सर 22 कह रहे हैं इसमें। यस सर। ओके, वी विल डिस्कस एट द एंड। ठीक है, आप पहला 25 कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अपन विल गो टू द कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है, ओके सर। सो 23rd इज हाउ सैड योर फ्रेंड्स लुक, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। हाउ सैड योर फ्रेंड लुक्स, डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव सर। डू नॉट स्पिट हियर। डेक्लेरेटिव सर। डेक्लेरेटिव। रॉन्ग। इंपेरेटिव। We'll discuss. 25th, select the correct option for given sentence. Interrogative. Interrogative. Let us check the concepts. Let me see the analysis. सो फर्स्ट का द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, असर्टिव। क्यों असर्टिव है? एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स ए फैक्ट, एक्सप्रेस ए थॉट। सर
So everyone, there is a background noise. One person is disturbing. Okay. So keep yourself on the mute now, everyone. Assertive क्यों है? Assertive, you can also write it down if you want. Assertive, an assertive sentence is a sentence that states a fact, expresses a thought में आ जाता है कि कोई quote हो, किसी ने अपने thought को express किया हो, or declares something. Hence, second is correct. The earth moves around the sun. तो हम इसको बोलते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ऐसा हो रहा है, दैट इज ए फैक्ट. यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? फैक्ट है. तो इसके अलावा कौन सी चीजें ऐड होगी? एक्सप्रेसेस अ थॉट. किसी ने कोई कोट दे दी किसी फेमस ने, या आपने अपनी कोट दे दी, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर. डिक्लेयर समथिंग, जो कुछ डिक्लेयर करे तो उसको असर्टिव बोलेंगे. नाउ प्लीज लेंड मी सम पेन. इट इज इंपेरेटिव. Why it is imperative? Imperative is a type of sentence that gives advice or instructions, or that expresses a request. तो यहाँ पे एक request थी. Expresses a request. Please आ गया. That means it is an expression of request or command. Command भी आ सकती है. यहाँ पे तो request थी, but is imperative में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? Instructions आ सकती हैं, रिक्वेस्ट आ सकती है, कमांड आ सकती है, एडवाइज आ सकती है. दैट इज इंपेरेटिव. एक्सक्लेमेटरी यू ऑल नो. एक्सक्लेमेशन में क्या होता है? सडन क्राई ऑफ इमोशन, एज इन सरप्राइज, जॉय, पेन. इनमें से कुछ भी हो, साथ में ये साइन जरूर होता है जो इसके बैक पे है. Just to express the feelings. The sentence here also represent the same outflow of emotion. An exclamatory sentence ends with exclamation mark. Hence, one is correct. What a tiring day. Again, exclamatory hai, we discussed. Interrogative. Who doesn't love his country? An interrogative sentence ends with a question mark. Hence, second is a. So, interrogative, question mark se end hoga. They were tired. They weren't tired. For negative form, not will be added after were. So, it will become weren't. Similarly, she doesn't teach us English. She teaches us English. She doesn't aa gaya, to teach aa jayega. Option one is the correct option. Same here, tense should be maintained. So for teaches, the negative form will be doesn't teach. Identify the interrogative. So, are they happy? Interrogative भी हमने कर लिया. And in interrogative form, the verb or auxiliary precedes the subject. Here, are will precede they. Option one is correct. As the given sentences is assertive option. So, you know assertive already. The gardener waters the plant. Identify the interrogative form of sentence. Does the gardener water the plant? The given sentence is the simple present tense. So with gardener, which is singular, does will be used. So gardener ke liye does use hoga. Gardeners hota to do hona. The children broke the toys. The interrogative form of the sentence. So third is correct. Did the children break the toys? Broke is in simple past. While making an interrogative sentence in simple past, did is used.
तो जैसे हमने सिंपल पास्ट में इंटरोगेटिव बनाते हैं, सिंपल पास्ट में वी यूज डिड. विद डिड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. सो डिड के साथ हमने ब्रोक नहीं लगाएंगे, कुछ और नहीं लगाएंगे, ब्रेक लगेगा, क्योंकि डिड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. नाउ अर्थ मूव्स. सर हाँ जी, यस सर, प्रीवियस सेंटेंस में जो लास्ट में द चिल्ड्रन ब्रोक द टॉयज, इज सर किस लिए है वो? द चिल्ड्रन ब्रोक द टॉय इज बेसिकली आई वुड से ये एक एरर है सॉफ्टवेयर में जो एड हो चुकी है. सो दिस इज सॉफ्टवेयर एरर. समटाइम हो जाता है, टाइपोग्राफिक एरर्स आर देयर. सो ये हमने देखना है कि इसकी सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है, ठीक है ना. सो दिस इज अ सेंटेंस, ये देखिए एपोस्ट्रोफी में ये बताया गया. सो दिस सेंटेंस इज फ्रॉम हियर टिल दिस, राइट, जो ब्रैक इसके अंदर है, कॉलन्स के अंदर है, दिस इज द सेंटेंस. सो उस इज का कोई सेंस नहीं ना बन रहा, इसलिए उसका कोई, समटाइम सॉफ्टवेयर्स में भी एरर्स होती हैं छोटी छोटी. ओके सर. अर्थ मूव्स अराउंड द सन सेंटेंस, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी द क्यों आया? देयर आर मेनी सन्स इन आवर गैलेक्सी, बट द सेंटेंस रेफर टू द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सो डेफिनेट आर्टिकल है, दिस इज अ डेफिनाइट आर्टिकल, इट इज कॉल्ड. The will be used before it as it is a specific noun here. So, एक specific noun हो गया, जैसे ताजमहल है, ताजमहल के आगे भी हम the लगाते हैं. तो एक specific nouns हैं जितने भी, उसके आगे the लगेगा. The गंगा, the earth, the sun. Earth can be used as a proper noun or as a common noun out of the given options. So, two is the correct option, the earth. Select the correct option of the following sentence. My father is university professor. My father is a university professor. We have to use article. So, is an article before university, as it starts with a consonant sound Y. Hence, one is the correct option. So यहां पे एक चीज देखने वाली है कि यूनिवर्सिटी का अगर यू देखें तो यू तो वॉवल है, तो हमने फिर भी अ लगा दिया. तो यहां पे साउंड्स के कारण लगा है, यू का जो साउंड है वाई से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी. सो साउंड से, फोनेटिक से भी ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को यूज किया जाता है. गंगा राइजेज इन हिमालय, द गंगा राइजेज इन द हिमालयस. द इज यूज बिफोर नेम ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस, हेंस सेकंड इज करेक्ट. सो ये भी एक रूल है कि माउंटेन रेंजेस हो या रिवर्स हो, उनको द से डिनोट करते हैं. द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज बेस्ट प्रैक्टिस, फिर भी द आ गया. एंड वाई द इज हेयर, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट आ गया. गुड, बेटर, बेस्ट, सो बेस्ट को हम बोलते हैं सुपरलेटिव, सबसे ऊपर, सुपरलेटिव डिग्री. बहुत सारी चीजें हमें ग्रामेटिकली नहीं पता होती, हम यूज कर लेते हैं बट वी never pay attention. So these are superlative words. जो good, better, best है, जो best है, that is superlative. तो इसके आगे the आएगा. Superlative नो best ही कमांगे. कितनी degree होगी सर, 10 दो के बारे. Superlative is superlative itself a degree, higher degree. So good हो गया. So we call good, better, best. Best. सो जो बेस्ट है इसको हम सुपरलेटिव है, बेस्ट से आगे तो नहीं ना कुछ होता, वेरी वेरी बेस्ट या समथिंग. सो बेस्ट इज द हाईएस्ट डिग्री. ऐसे ही होता है जैसे हम बोलते हैं हैप्पी, इलेटेड,
flabbergasted. तो जो flabbergasted है ये इसको हम superlative degree बोलते हैं, जो बहुत खुश, बहुत से भी बहुत खुश. I was so flabbergasted when I got this award. मैं बहुत ज्यादा खुश था, मेरी खुशी की कोई बाउंड्री नहीं थी जब मैं कोई अवार्ड मिला. I was very elated to know that I got first. I was so happy to know about you. तो सब सबके sentences में, सबकी sense में फर्क है. तो हम बोलते हैं I am very happy for you, like you got married, I'm so happy for you. तो हमने उसको बता दिया कि मैं खुश हूँ, you got married. I was so elated, मैं बहुत खुश था when I got my result, because I got first, I stood first. Flabbergasted होता है कि बहुत खुश होना, किसी की खुशी का ठिकाना ही ना होना, it's beyond happiness. इसी तरह से जैसे angry बोलते हैं, angry हो गया, एक word होता है ferocious. Ferocious basically animals के लिए use होता है, जैसे tiger हो गया, tiger is a ferocious animal, बहुत गुस्से वाला, बहुत झगड़ालू. सो जब कोई इंसान बहुत झगड़ालू होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, बात बात पे लड़ता है, तो वी कैन से दैट यू आर ए फेरोशियस पर्सन और ही इज ए फेरोशियस पर्सन. फेरोशियस मीन्स एक्सट्रीम इन एंगर. ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम वाली चीजें सारी सुपरलेटिव डिग्री में आ जाती है. होप इट इज क्लियर नाउ. Have you lost your book? It is interrogative. An interrogative sentence ends with the question mark. ये आपको पता ही already. तो exclamatory भी पता है आपको. It is optative. Long live the king, हमने already देख चुके हैं हम कि why it is optative. The sentence which expresses a prayer, keen wish, curse, etc. is called an optative sentence, hence one is correct. Tell him to go away, imperative, a type of sentence that gives advice, instruction, expresses a request or command, that is imperative. Exclamatory bhi pata aapko. And this is into negative mein, the grapes are ripe. The grapes aren't ripe. Okay, select the correct option after changing the following sentence into negative. My mother brought sweets. My mother didn't bring sweets. So didn't के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, तभी ब्रिंग लगाया गया, ब्रॉट नहीं लगाएंगे. चिल्ड्रन आर ईटिंग देयर फूड. इंटेरोगेटिव, आर चिल्ड्रन ईटिंग देयर फूड. अब इसमें आर था, कॉन्टिन्यूस था, तो हमने कॉन्टिन्यूस की जो वर्ब थी उसको आगे ले आई एंड सेंटेंस हमने चेंज कर दिया. So, ये शायद डिस्कस कर रहे थे. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव. माय सिस्टर इन लॉ फीड्स द स्पैरो. डज माय सिस्टर इन लॉ फीड द स्पैरो. यस, डज आ गया तो ये फीड आएगा यहाँ पे. One is incorrect because simple past tense has been used, whereas the given sentence is simple present tense as indicated by feeds. तो इसमें feeds है, तो first तो already wrong हो गया. Second is incorrect because the word does should be followed by base form of verb without s or es. Yes. So second is wrong हो गया because उसमें s और es का uses हुआ है. Fourth is incorrect because plural auxiliary do लगा दिया. Sister-in-law one है, लगा हमने do दिया. तो does होता तो ये correct हो जाता. So कौन सी option third would be right. Does my sister-in-law feed the sparrows? That is the right answer. Select the correct option for the given sentence. How sad your friend looks.
सो इसमें नन आएगा, क्यों नन आएगा? एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड एंड विद एक्सक्लामेशन मार्क हेंस फोर्स. तो हमने ये चीज तो देखी नहीं कि एक्सक्लामेटरी जो है यहाँ पे सेंटेंस है, तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन. तो एक्सक्लामेटरी है नहीं, इसलिए इसका नन ऑफ अबव आएगा. इंटेरोगेटिव भी नहीं आ सकता, इंपेरेटिव भी नहीं आ सकता, डेक्लरेटिव भी नहीं आ सकता. सो दिस मार्क इज हियर, सो वी हैव टू सी. ओके, डू नॉट स्पिट हियर, दिस इज इंपेरेटिव. A type of sentence that gives you advice, order, or instructions, or that expresses a request or command is called imperative. The given sentence shows an order or instruction, hence third is the right option. Select the correct option for the given sentence. Have you got anything to say? Interrogative. So, क्यों interrogative आ गया हमने? साइन देख लिया, एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. ओके, सो व्हाट वी बेसिकली वी कवर्ड द सेंटेंस टाइप एंड इट्स पार्ट्स. नाउ वी विल गो वन अनदर थिंग. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. Optative and exclamatory sentences both have exclamatory sign. Optative तो जो हो गया wish हो गया. अब आप get well soon के पीछे exclamatory डालेंगे, it won't work. Get well soon तो एक wish हो गई ना. Yes, हाँ जी. तो आपका क्वेश्चन है कि ये दोनों हो सकते हैं? That what you are asking? Yes, sir. यहाँ पे सर मीनिंग समझना पड़ेगा भी, हमने विश किया या फिर कैसे है, मतलब डिफरेंस करने के लिए. ये जो होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना हरे हरे और हुर्रे होता है कि आई वॉन द अवार्ड, तो उन चीजों के पीछे एक्सक्लामेटरी लगता है. लेट मी clear you sir. हाँ जी, can yes, I please. explain? yeah please sir. We all say that we all the optative sentences are exclamatory, but all the exclamatory sentences are not optative. You can say that. So optative and exclamatory sentences. So whatever you feel doubtful, द सेम थिंग आई फॉलो. जिस चीज का मेरे को 100% क्लियर ना हो, मैं उस पर कमेंट नहीं करता, आई रिसर्च ऑन इट. सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. नो वन इज परफेक्ट, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है, गो टू गूगल, गूगल इट. गूगल पे तो आपको वो चीज मिल ही जाएगी. नो मास्टर इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड, ठीक है? सो गॉड इज परफेक्ट, बट एक्सेप्ट हिम नो वन इज परफेक्ट. सब में कमियां हैं, ठीक है? नो वन हैविंग 100% राइट नॉलेज. एन ऑपरेटिव सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेसेस ए होप और विश. द सेंटेंसेस आर नॉट एक्सप्रेसिंग एक्सक्लामेशन, दे आर एक्सप्रेसिंग योर होप और विशेस. एन एक्सक्लामेटरी अटरेंस इज वन वेयर द स्पीकर इज मेकिंग एन एक्सक्लामेशन बट नॉट नेसेसरली इज a complete sentence. So what is difference between optative and exclamatory sentence? So let us delve deeper and think about it, read about it. An optative sentence is the one that expresses hope or wish. These sentences are not expressing exclamations, they are expressing your hopes and wishes. An exclamatory utterance is one where the speaker is making an exclamation but not necessarily is a complete sentence. So we need to go through more examples just to clarify this point. And
एक्सक्यूज मी सर यस प्लीज ओके सर जैसे ऑब्जेक्टिव में आपने बताया अभी पूरे सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है एक्सक्लेमेटर सेंटेंस में वर्ड के बाद ऑब्जेक्टिव सबके पीछे नहीं लगता अभी ऑब्जेक्टिव है मे गॉड ब्लेस यू ऑल इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी तो नहीं है ना यस सर सो अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा देखो डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पहले हम देखें द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर कीन विश कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विद मे विश समथिंग मे रिमेन हिडन ठीक है मे द किंग ऑफ प्रेस्ट्रोर्स लिव्स लॉन्ग इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी भी है और ये ऑब्जेक्टिव भी है लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वेस्टरॉस तो ये इसके पीछे एक्सक्लेमेटरी नहीं है बट ये ऑब्जेक्टिव है जब आपने लॉन्ग लिव द किंग ऑफ वेस्टर्न या कुछ भी बोल दो ठीक है मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन तो एक इसमें ना एक्सप्रेशन दे दिया तो जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये एक एक्सप्रेशन को शो करता So that means not all optative will be exclamatory, but exclamatory can be optative. जो exclamatory है वो optative हो सकते हैं but not all optative will be exclamatory. अब may God bless you all के पीछे तो exclamatory है ही नहीं That means जो optative है अपने आप में ये wish, curse और sentiments को show कर रहा है ठीक है So wish you happy journey together. May you, your team win the match. तो end में exclamatory दे दिया. So it implies, ये suggest करता है कि exclamatory optative हो सकते हैं. अभी हम optative को भी देख, exclamatory को देख लेते हैं. ये optative के थे. The sentence which expresses a sudden and intense excitement. See the word sudden अचानक से कोई intense excitement आपने देखा आपका result आया 98% तो एक sudden excitement होगी disguise admiration shock sorrow shock हो गया किसी को कुछ कोई mishappening होगी is called exclamatory sentence the kind of sentence must have note of exclamation at the end or in the middle of the sentence So we call hey, hey ke baad exclamatory sign. Don't touch my phone. Hey, don't touch my phone. So jaise aapne sound suna ki ek hey ko humne expressive way mein, alas, I couldn't be at her funeral. Alas jo tha, that is an expression. Hush, your father is sleeping. What a boring day. Sir, Hush मतलब we Hush means your father is sleeping मतलब चुप करा रहा किसी को Shh, जैसे हम बोलते हैं ना चुप don't noise okay. that is hush English में इसको hush से denote करते हैं How blessed I am to see such a sight मान लीजिए आप पहाड़ों में गए How blessed I am to see such a sight आप एकदम से आ गए आपके बहुत अच्छा नजारा आ गया and excite हो गए आप sudden excitement that is एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सो इन दोनों के एनालिसिस से हम वही चीज ये चीज बता सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी जो है हो सकता है वो ऑप्टेटिव हो बट ऑल ऑप्टेटिव्स कैन नॉट बी एक्सक्लेमेटरी होप इट्स क्लियर यस सर सो आज हमने काफी चीजें कर ली हैं बिकॉज वन आवर इज देयर आई हैव वन अनदर मीटिंग विद सम एक्सपर्ट्स at 9:10 so we have to wind up the class so aaj humne kafi cheeze kar li hain and I apologize I couldn't you know spare time for the previous class on Wednesday but next in the next class I will try to spare the time so we'll have another meeting on Wednesday possibly and your homework will be checked by our team Bhavna ma'am will going to check. She is going to check entire material jo aapne homework diya hai. So it will be checked by her. And any question, any confusion,
No, sir. All right. Thank you so much, everyone, for joining this session. Next time, I'm expecting more numbers. Today, we have only 36, 37 students in the group. And one request, ki jo bhi link main aapko share karta hoon, usko kindly like karein, share karein, so that people can take, others can take the, you know, benefit of the class as well. Let me show you. Hamare group mein 100 plus students hain already. Or what I just noticed and I was surprised to see, hamara jo last session hua hai, usko sirf 44 students ne hi check kiya hai, uspe sirf 5 likes hai. If you see clearly what it shows to me that only 50% of students are interested in the program or they are taking the program sincerely. Sirf 44 students ne view kiya, because I get data at back end, right? So might be not 44, kisi ne do bar dekh liya, to ye do bar batata hai. Kyunki last jo humari class hui thi, if you see clearly, 222 students viewed. Ye views dikha raha hai, agar aap teen bar click karenge, to ye teen bar count karega usko. Only 45 liked it. Theek hai? To hota kya hai, ki one student disliked it. Ho sakta hai isme kafi kamiyan ho. This is very, sorry to say, sabne ye nahi dekhi video, sabne revise nahi kiya. So, I would say next time kindly review every video, whichever we are making, because information is there. Ho sakta hai har video achhi na ho, kisi ko achhi na lage. I try my best to deliver the information, but try to revise it.